नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही नया अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे और यहां पे मैं रिव्यू करूंगा ब्रिस्टल पेपर को, जो कि ब्रूस्ट्रो ब्रांड के हैं, जो कि मैंने मंगाए थे। और यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी लोग पूछ रहे थे मुझसे कि ब्रूस्ट्रो ब्रांड के ब्रिस्टल पेपर्स कैसे होते हैं, क्योंकि कैंसन के मैं दिखा चुका हूँ आपको और स्ट्रैथमोर के भी दिखा चुका हूँ। तो फिर एक और पैरेलल देख लेते हैं एक अच्छी ब्रांड का ब्रिस्टल पेपर और क्या क्या ऑप्शंस आप देख सकते हैं, इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी ब्रांड है ब्रिस्टो, जैसे आपको पता होगा। और इसके ब्रूस्ट्रो ब्रिस्टल पेपर देखते हैं कैसे होंगे। ये हैवी वेट हैं, अल्ट्रा स्मूथ हैं जैसा लिख रहा है इस पर, और ये 250 GSM है फ्रेंड्स। तो कि इससे समझ में आता है कि पेपर जो है काफ़ी अच्छा थिक पेपर है और इसकी 12 शीट्स हैं जो मैंने मंगाई थी। तो देखते हैं, और इस पर हम फ्रेंड्स इस बार थोड़ा सा नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। हालांकि ब्रिस्टल पेपर इज़ नॉट सूटेबल फॉर पाउडरी काइंड ऑफ एलिमेंट्स लाइक पेस्टल्स और लाइक चारकोल्स, लेकिन हम यहाँ पर कोशिश करके देखते हैं और ज़्यादातर हम इसमें चारकोल्स यूज़ करेंगे और देखते हैं किस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं। ये बिल्कुल ही एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट होगा फ्रेंड्स। कुछ आर्टिस्ट ने किया भी है इनफैक्ट इस तरीके का एक्सपेरिमेंट, लेकिन मेरे लिए आई थिंक ये दूसरा या तीसरा अटैम्प्ट होगा कि मैं किसी स्मूथ पेपर पे चारकोल्स यूज़ करूँगा। तो चलिए देखते हैं, और आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा ये। यहाँ पर मैं चारकोल पेंसिल्स को यूज़ करूँगा और साथ में कुछ ग्रेफाइट पेंसिल्स को भी यूज़ करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं कैसे रिजल्ट्स आते हैं इसके। इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और मैंने तो बस यहाँ पे यही था ऑब्जर्वेशन कि हमें ब्रिस्टल पेपर के ऊपर या किसी स्मूथ पेपर के ऊपर जब हम चारकोल से ड्रॉ करते हैं तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, एक एक्सपेरिमेंट था। आप बताइएगा ज़रूर से फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिख करके कि आपको ये रिजल्ट्स कैसे लग रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इस पर और ट्यूटोरियल्स भी बनाए जाएँ अगर आपको ये पसंद आता है तो, क्योंकि मेरे पास और भी पेपर्स हैं इसी तरीके के और स्मूथ पेपर हैं, ब्रिस्टल पेपर हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि और ट्यूटोरियल्स बनाने की इस पे,
तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और आप लोगों के सपोर्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। यू पीपल आर जस्ट ऑसम, और आपने मेरी काफ़ी मदद की, और अपनी इसी तरीके की अपनी हेल्प को आगे हमेशा बढ़ाए रखिएगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।